नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे नंबर एक, क्या आप जानते हैं कि सफर करने से इंसान का डिप्रेशन कंट्रोल में रहता है। नंबर दो, किडनी स्टोन से बचना है तो रोजाना तरबूज खाना चाहिए, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर तीन, हमेशा खाली पेट नहाना चाहिए, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। नंबर चार, जब सिर में दर्द हो तो हल्के हाथों से गुनगुने तेल से सिर में मसाज करनी चाहिए और स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए, इससे सिर दर्द में आराम मिलेगा। नंबर पाँच, बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। नंबर छः, जिनकी उम्र 40 के करीब हो जाए उन्हें चुकंदर ज़्यादा खाना चाहिए। नंबर सात, सुबह खाली पेट तला हुआ या चटपटा खाने से बचना चाहिए, नहीं तो शरीर में कई बीमारियां होने लगती हैं। नंबर आठ, सुबह के वक्त हरी घास पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर नौ, जिनका पेट साफ ना रहता हो वो दूध के साथ सौंठ का इस्तेमाल करें। नंबर दस, अपने दिल को मजबूत करना है तो रोजाना सेब खाया करें। नंबर ग्यारह, रोजाना नाश्ते में खुद और अपने बच्चों को दही खाने की आदत डालें, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। नंबर बारह, सुबह खाली पेट जानबूझकर खांसी किया करें, छाती की बलगम साफ हो जाएगी। नंबर तेरह, दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। नंबर चौदह, जो रोजाना दही इस्तेमाल करता है उसे कभी पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर पंद्रह, सिर को धोने के बाद बालों पर तौलियों को ज़्यादा देर ना लपेटें, इससे बालों की चमक कम हो जाती है। नंबर सोलह, अगर आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो आप रोजाना चार बादाम खा लिया करें, आपका दिमाग सही से काम करने लगेगा। नंबर सत्रह, अगर पेट बढ़ रहा हो तो रोजाना कच्चा फालसा खा लेने से पेट कम होने लगता है। नंबर अठारह, जिनके सिर पर बाल कम हो वह रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सिर पर लगाएं, इससे धीरे धीरे बाल उगने शुरू हो जाएंगे। नंबर उन्नीस, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 20, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो रोटी के हर टुकड़े को 32 बार चबाएं, सुबह 60% खाएं, दोपहर को 30% खाएं और रात को खाना 10% खाएं। नंबर 21, साबुदाने को रात के वक्त शहद में डुबोकर खा लेने से ताकत बढ़ती है। नंबर 22, जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी खत्म हो जाती है। नंबर 23, अगर पेशाब का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो रोजाना फालसी का जूस पी लिया करें। नंबर 24, निहार वो खीरा खाने से मोटापा कम होता है। नंबर 25, सुबह के समय दही खाने से ताज़ा खून बनता है। नंबर 26, एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 27, चने की दाल अक्सर खाते रहा करें क्योंकि ये खून की रवानी को बेहतरीन रखती है। नंबर 28, जो आलू ज़्यादा खाते हैं उनका वजन जल्दी बढ़ जाता है। नंबर 29, रोजाना सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से शरीर की कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। नंबर 30, खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 31, रोजाना देसी कीकर की दातुन करने से दांतों की हर समस्या दूर हो जाती है। नंबर 32, कमर दर्द से राहत पाने के लिए उबलते हुए पानी में थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण मिलाकर काढ़ा बनाकर पिए, इससे कमर के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 33, रात को सोते समय पैरों के तलवे पर देसी घी से मालिश करें, इससे पैरों का सुन्नपन दूर हो जाता है। नंबर 34, रात को सोते समय 4 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा केसर मिलाकर लेने से कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी।
नंबर 35। हार्ट अटैक से बचना है तो रोजाना प्याज और लहसुन खाएं और सुबह एक सेब खाएं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।